कराची में लोगों को जाम का अब सामना नहीं करना होगा। इसके लिए शहर में कई जगहों पर ऑटो स्टैंड बनाए जा रहे हैं, जिससे ऑटो के जहां तहां खड़े होने से अब सड़क पर जाम जैसी स्थिति नहीं होगी। रांची शहर में सड़क किनारे ऑटो के खड़े होने से सुबह शाम लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। कई जगहों पर ऑटो स्टैंड बनाया जा रहा है। मेन रोड से कांटा टोली की तरफ जाने वाले ऑटो के लिए कडरू मोड़ के पास ऑटो स्टैंड बनाया जाएगा। नगर विकास मंत्री के मुताबिक ऑटो स्टैंड में पीने का पानी, शौचालय के साथ साथ ऑटो चालकों के आराम करने की भी व्यवस्था की जाएगी। अब होता क्या है कि इनको ऑटो कोई पार्किंग नहीं है, यहाँ लगाते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। पुलिस द्वारा इन्हें दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है। तो हम चाहते हैं इसका कोई समाधान निकले। अब पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, तो अभी पार्किंग की जगह हमको नज़र आई है, तो हम चाहते हैं कि जो ऑटो वाले हैं, यहाँ महिला ऑटो भी है, पिंक ऑटो, करीब 30 महिलाओं का भी है, तो उनके लिए जो जगह हम लोगों ने देखा है, उस जगह यदि समाधान हो जाता है तो हम सारे ऑटो को उठाकर यहाँ पर लाएंगे और एक एक करके कोई ऑटो जाएगा, वहाँ सवारी उठाएगा, अपना जाएगा, फिर जाएगा। तो एक सिस्टम ये खुद बनाएंगे नंबर वाइज, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। वहीं ऑटो चालकों का कहना है कि अब उन्हें आए दिन चालान कटने का डर भी नहीं सताएगा। साथ ही पिंक ऑटो चलाने वाली महिलाओं को भी इससे काफी सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा, हम लोग का स्थायी हो जाएगा, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मंत्री आया, कुछ फंक्शन हुआ, किसी तरह का प्रोग्राम रहा, कोई और तरह का ही रहता तो भागो, बंदी है तो भागो, स्थायी हमेशा के लिए हो जाएगा। ऑटो का यहाँ पे झीले चौक में स्टैंड जो बन रहा है सरकार के द्वारा, हम लोग उससे बहुत अपने आप को सुरक्षा महसूस करेंगे। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि अब रांची में एक तरफ ऑटो चालकों को नई सुविधा मिलेगी, तो वहीं आम लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।